नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो शिक्षक भर्ती को लेकर है। उच्च शिक्षक भर्ती जो है जल्द ही की जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रयागराज में उच्च शिक्षा विभाग में जो पद रिक्त पड़े हैं उनके लिए भर्ती की जाएगी। और प्रयागराज में कल उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस बाबत उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सर्किट हाउस में हुई बैठक में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का शिक्षक भर्ती और नकलविहीन परीक्षा पर विशेष जोर रहा। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों से कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी की जाए। अफसरों ने मंत्री को बताया कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 368 पदों की सूचना शासन को भेज दी गई है। जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 368 पदों का अध्याचन भी दे देगा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 368 पदों का जो विज्ञापन जारी करेगा, ये जीडीसी बोली जाती है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा, और एडेड वाली जो होती है वो 918 और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 368। इसके साथ साथ ही अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पुस्तकालय के 106 पद रिक्त हैं। इनके निर्धारण हो चुका है, इनकी भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। तो तीन तरह की भर्ती प्रक्रियाएँ होंगी, असिस्टेंट, दो असिस्टेंट प्रोफेसर की और एक प्रवक्ता पुस्तकालय की। पंचायत सहायकों की नई भर्ती होगी। 44 पंचायत सहायकों ने प्रयागराज से ही इस्तीफा दे दिया है। तो जो इस्तीफा दे रहे हैं इसमें कुछ कारण बता रहे हैं कि दूसरी जगह नौकरी लग गई है, कुछ बता रहे हैं कि व्यक्तिगत कारण है इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। जो पिछली बार पंचायत चुनाव हुए थे उस चुनाव के बाद योगी सरकार ने जो है पंचायत सहायकों की नियुक्ति की बात की थी। पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय बनाने की बात हुई थी, जिसमें ग्रामीणों को आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र, पीएम आवास, शौचालय आदि के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जब इसकी नियुक्ति हुई थी तो इसका जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें कंप्यूटर की दक्षता के बारे में बात नहीं की गई थी, जबकि सहायक का पूरा काम जो है कंप्यूटर की दक्षता पर ही निर्भर करता है। और जो सैलरी इनकी निर्धारित की गई थी वो 6,000 रुपये मात्र निर्धारित की गई थी। तो बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर लिए लेकिन उनको लगता है कि 6,000 के हिसाब से काम यह बहुत ज़्यादा है, इसलिए नौकरी छोड़ रहे हैं। अब 44 पदों पर फिर से नई भर्ती होगी। आज से 18 जून तक DPRO और ब्लॉक कार्यालय में फॉर्म जमा होंगे। 4 से 9 जून के बीच सभी आवेदन पत्र पंचायतों को दिए जाएंगे। 10 से 17 जून के बीच मेरिट के आधार पर आए आवेदनों की जानकारी DPRO को दी जाएगी। 18 से 25 जून के बीच में DM की अध्यक्षता वाली कमेटी स्क्रीनिंग करेगी। 26 जून को पंचायत सहायकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो यह पूरी प्रक्रिया है नए पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए। चयन बोर्ड से एक और भर्ती आएगी। संस्कृत विद्यालयों में शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए शासन ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती विद्यालय प्रबंधन से हटाकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजने के बाद अब शासन को रिमाइंडर भेजा है। पहले इनकी भर्ती जो होती थी, यहाँ पे तीन प्रकार की भर्तियाँ होंगी, आपको बता दें। एक तो होगी सहायक अध्यापक की संस्कृत विद्यालयों में, फिर प्रवक्ता की वैकेंसी होगी और प्रधानाचार्य पदों पर भी भर्ती की जाएगी। संस्कृत विद्यालयों के लिए अभी राजस्थान में भर्ती आई हुई है और अब उत्तर प्रदेश में इस भर्ती की व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ पर जो ये भर्ती होगी ये TGT PGT की तरह ही ये भर्ती की जाएगी और इन पदों को आगामी TGT PGT के पदों में जोड़कर
भर्ती निकाली जाएगी या इनका अलग से विज्ञापन निकाला जाएगा, इसके लिए अभी कुछ भी जानकारी नहीं है। यूपी पीसीएस की परीक्षा के साथ साथ है आरआरबी की परीक्षा भी उसी दिन पड़ गई है। 22 जून से द्वितीय चरण की आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा शुरू हो रही है और 22 जून को ही उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा भी होनी है। एक ही दिन दो बड़ी परीक्षाएं टकरा जाने से अभ्यर्थी अब परेशान है। तो अभ्यर्थी जो है आरआरबी से गुजारिश कर रहे हैं कि सीबीटी 2 की परीक्षा की डेट बढ़ा दी जाए। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि बताएं शिक्षा विभाग के इतने मुकदमे क्यों लंबित है, या हाई कोर्ट ने पूछा है और यहाँ पे इतने सारे मुकदमे क्यों लंबे हैं, लंबित पड़े हुए हैं। कुशल और सक्षम अधिकारियों को काम की जगह तैनात किया जाना चाहिए जो निर्णय तेजी से ले सके। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को 72 घंटे में मुख्य सचिव को आदेश से अवगत कराने को कहा है। निर्देश दिया है कि मुख्य सचिव अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार के माध्यम से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने राकेश देवी उर्फ राकेश कुमारी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। दरोगा भर्ती में कई परीक्षा केंद्र दागी थे जहां पे भर्ती में गड़बड़ी हुई है, तो उनके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार सभी 78 अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। इन अभियुक्तों से संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों व पुलिस आयुक्तों को मुकदमे की गंभीरता से विवेचना कराकर सभी सह अभियुक्तों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसमें दागी परीक्षा केंद्रों के संचालकों के अलावा वहाँ ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों व सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9,534 पदों पर सीधी भर्ती के लिए वर्ष 2021 में परीक्षा कराई गई थी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। राजकीय महाविद्यालयों के 88 एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन को सूची भेज दी है। शासन से स्वीकृति मिलते ही पदोन्नति दे दी जाएगी। प्रदेश भर में 164 राजकीय महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर लंबे समय से प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने करीब 45 महाविद्यालयों के 88 एसोसिएट प्रोफेसर की सूची पदोन्नति के लिए शासन को भेजी है। इससे पहले इन सभी का एकेडमिक परफॉर्मेंस एपीआई देखा गया। सहायक उच्च शिक्षा निदेशक बीएल शर्मा ने बताया कि प्रोफेसर पद पर प्रमोशन के लिए एपीआई 110 अंक होना चाहिए। अब तक नौकरी में कुल 10 शोध पत्र का प्रकाशित होने चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर रहते हुए 4 शोध पत्र का प्रकाशन होना चाहिए। प्रमोशन के लिए भेजी गई सूची में इसका ध्यान रखा गया है कि वो सभी अर्हताएँ पूरी करते हों। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।